बलिया नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम में बलिया के वास्ती विधानसभा क्षेत्र के पिंजहरा में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया है सुरक्षा का, सम्मान का, स्वलंबन का है, वह अनवरत चलेगा। इस बात को फिर कहने के लिए आया हूं कि बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर उसको यमराज भी नहीं रोक पाएगा, तब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तय ही है। इसमें कोई संदेश नहीं होनी चाहिए किसी को भी। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो परिसीमन होगा 2026 में, परिसीमन के बाद विधानसभा और सांसद में एक तिहाई 33% सीटों पर महिलाओं को आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी, तो बलिया में भी सीटें बढ़ेगी और बलिया से भी अन्य बहनों और भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा और सांसद में चुनकर जाने का अवसर प्राप्त होगा। आपको बताते चले कि एक बार फिर से अस्वस्थ रहता हूँ कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर यह हम लोगों का लक्ष्य है और इसको प्राप्त करने के लिए समूह कार्य कर रही है। प्रदेश पुलिस बल में 20% महिलाएं आरक्षण की तैनाती करने के लिए सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। निधि सिंह के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश के अंदर अब लखनऊ और गाजियाबाद से टक्कर लेने का माना रखेगा। पहले लोग उधर जाते थे विकास के लिए, अब विकास के लिए लोग इधर आएंगे, क्योंकि वहां पे वाटरवे नहीं है, वहां जलमार्ग नहीं है। जलमार्ग का सबसे अच्छा माध्यम उत्तर प्रदेश में बलिया जिला बनने जा रहा है, क्योंकि यह दोनों ओर से, एक ओर गंगा जी से, एक तरफ सरयू जी से ये जनपद घिरा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज यहाँ पर जो ढेर सारी परियोजनाएं लोकार्पित और उद्घाटन हुई है, शिलान्यास हुआ है, इसके लिए बलियावासियों को मैं बधाई देता हूँ और आपका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन ये हम लोगों का लक्ष्य है और इसको प्राप्त करने के लिए जैसे महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रही है, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी कार्य कर रही है, प्रदेश पुलिस बल में 20% महिला आरक्षियों की तैनाती करने के कार्यक्रम को सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में बेसिक शिक्षा परिषद में भी हम ज्यादातर महिला शिक्षकों को लेने की दिशा में आगे की कार्रवाई को बढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आधी आबादी के सम्मान और सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की आंच आए बगैर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए ये डबल इंजन सरकार लगातार कार्य करेगी। आप सबको एक बार फिर से महिला शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली की मंगल, दीपावली और छठ की भी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय देव श्री राम।